नमस्कार, मैं नागेश गिरे फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्टार एपिक्स न्यूज़ में। और आज हम कांग्रेस की युवा क्रांति यूथ कांग्रेस की जो युवा क्रांति है उसके युवा क्रांति यात्रा के इस संदर्भ में बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी से। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है स्टार एपिक्स न्यूज़ पे। और मेरा सीधा एक पहला सवाल ऐसा कि युवा क्रांति यात्रा जो है इसके माध्यम से आप देश में क्या कौन से मुद्दे उजागर करोगे और कौन सा एक संदेश 2019 के चुनाव में रखोगे? देखिए, यात्रा में जो मुद्दे उजागर हो चुके हैं, हम उन उजागर हुए मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है देश के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा जो लगातार झूठ बोला गया और चौकीदारी की बात की गई, लेकिन जो हालिया तस्वीरें हैं देश की वो ये बयां करती हैं कि चौकीदार बहुत बड़ा भागीदार निकला है। और जिस तरीके से राफेल विमान सौदे में 1,30,000 करोड़ के इस सौदे में जिस तरीके से चौकीदार ने अनिल अंबानी के साथ मिलकर भागीदारी की है, यह स्पष्ट साबित हो चुका है कि 524 करोड़ रुपए के एक विमान की कीमत आखिर 1674 करोड़ रुपए क्यों पहुंची? क्यों एचएएल जैसी महारत्न कंपनी जिसने तमाम विमान बनाने का काम किया है उसको उससे सौदा छीन के और एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसका मात्र 40 दिनों में 4 बार बदलाव कर करके निर्माण किया गया। तो ये जो सवाल है राफेल विमान सौदे में जो ये घोटाला हुआ है, इस घोटाले को उजागर करने के लिए और इसकी इस पर जांच हो और कार्रवाई हो, इस सवाल को लेकर हम लोग सड़कों पर निकले हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो जीवंत सवाल है, इस देश में 2 करोड़ रोजगार का वादा था नौजवानों को, वह वादा तो जुमला निकला नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन जो वास्तविक रोजगार सृजित थे कांग्रेस पार्टी की पूर्ववत सरकारों में उस रोजगार को भी इन लोगों ने खत्म करने का जो काम किया। और सबसे बड़ी साजिश की जो नोटबंदी एक संगठित लूट के रूप में सामने आई और नोटबंदी में जो लूट की गई है इस चौकीदार के द्वारा और उनके जो दूसरे उनके सहभागी हैं अमित शाह जी, इन लोगों ने जिस तरीके से मिल के लूट मचाई है, इसको उजागर करने के लिए और नौजवानों को उनका हक मिले, उस हक की लड़ाई कैसे मजबूत किया जाए देश के अंदर, इस सवाल पर हम लोग सड़क पर निकले हैं। तीसरा सबसे अहम सवाल है कि देश के अंदर किसानों और विशेष तौर से 25 से 40 के बीच के वो युवा जो कहीं ना कहीं श्रमिक हैं या कृषि से जुड़े हुए हैं और हताशा में आके अपनी मध्यम जिंदगी के दौर में जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं देश को विचलित करने वाली हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत का नाम दुनिया में भूख से मौतों के मामले में बड़ी तेजी से जाना जाने लगा था और चर्चित था। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरी यूपीए ने जिस तरह की योजनाएं बनाई और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से उसको क्रियान्वित करने का और संचालित करने का जो काम किया, देश के अंदर भुखमरी से लेकर तमाम ऐसी जो कहानियां थी वो खत्म हुई। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 1 वर्षों में जिस तरीके से भूख से मौतों का भूख का जो इंडेक्स है भारत का यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो आंकड़ा है उसमें 55 रैंक ऊपर चले जाना कहीं ना कहीं भारत की गरीबी को वर्तमान हालात को दर्शाता है। और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसकी जो लूट है और गरीबों के प्रति जो साजिश है उसको दर्शाता है। तो झारखंड में जिस तरीके से एक महिला जो अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ रात भर भूख भात भात कहते हुए चिल्ला के मर गई, शर्म आता है ऐसे समाज में जीने पर जहाँ एक बच्ची चावल के लिए तड़प के और अपना दम तोड़ती है और दूसरी तरफ हजारों टन चावल कहीं सड़ जा रहे हैं, उनकी खरीदारी नहीं हो रही है। तो एक तरफ किसानों की खरीदारी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ उपज पे जो लागत का दाम है उसको बढ़ा दिया गया, सरकार यूरिया खाद से लेके बीजों का जिस तरह से दाम बढ़ाई और जिस तरह से कटौती की वो एक साजिश थी। और उसके बाद से जो योजनाएं चल रही थी जीवन के लिए जिससे खास तौर से जिससे जीविका चलती है लोगों को, उसको जो बर्बाद करने का काम किया गया, एक बड़ी साजिश है गरीबों को और आम आदमी को मारने को, इस सवाल को लेके हम लोग सड़कों पर निकले हैं। चौथा सवाल है कि इस देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, भीड़ की हिंसा के द्वारा जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है और संघी कथित तौर पर जो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं ये बजरंगी जिस तरीके से आम आदमी को निरीह और निर्दोष लोगों को जो मार रहे हैं और अब तो अधिकारियों तक को दौड़ा के जो मारे जाने लगा है, ये कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था को और भारत की कानून व्यवस्था को एक बड़ा जवाब है। और भारत की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होती दिखाई दे रही है इन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों।
तो इस सवाल को भी लेकर हम लोग सड़कों पर निकले हैं। पांचवा एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, मनरेगा से लेकर देश के अंदर तमाम ऐसी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने संचालित की, आशा से लेकर एनएम, आंगनबाड़ी से लेकर जिसमें रसोईया से लेकर जिसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया और उनके सामूहिक नेतृत्व के विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो योजना शुरू की, लेकिन आज वो सभी सड़क पर हैं। आज खुद हमने देखा, आज और कल जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान हुआ है अपने मानदेय की बढ़ोतरी की मांग को लेकर, और तमाम कर्मचारी संगठन, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए और 2004 में उन्होंने पेंशन योजना को बंद कर दिया, एक आम आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी जो रोजगार करके या किसी भी सरकारी नौकरी में अपना जीवन यापन करता है, रिटायर होने के बाद उसको कहीं ना कहीं पेंशन से उसकी जीविका चलती थी, लेकिन अचानक उसको बंद कर देना कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उसके साथ धोखा था। बीच में जो योजनाएं चली, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कंपनियों के साथ मिलकर साजिश किया है, तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो जिंदा सवाल हैं इस देश में। और इन सवालों को लेकर हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के, तमाम एनओबी हैं यहाँ से दिख रहे हैं, हेमंत ओगले हैं और तौकीर आलम हैं, ये जितने स्थानीय साथी हैं यहाँ के, भैया पवार हैं यहाँ से, सत्यजीत तांबे यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, तमाम देश भर के युवा जो चल रहे हैं, हम सभी कहीं ना कहीं इन आवाज़ों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि भारत के सामूहिक जो भारत का जो एक लोकतंत्र है, जो जनतंत्र है, उस पर आज कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हुए हैं और लगातार आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये बताता है कि उस सीबीआई निदेशक को फर्जी मनगढ़ंत और बिना किसी कारण के बेवजह परेशान किया गया और रात को 2 बजे छुट्टी पर भेजा गया था, ये जो फैसले हैं, और भारत की आज़ादी के बाद मैं दूसरा जो ये कह सकता हूँ कि 70 वर्षों के बाद पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के 4-4 न्यायाधीश सड़क पर उतरे और मीडिया के सामने जो उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि हम इसलिए आज बात कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमको दोषी न ठहराएं, देश का जो संवैधानिक सर्वोच्च स्थान है वो आज कहीं ना कहीं खतरे में है और उसके ऊपर खतरा है, और सरकार का हस्तक्षेप जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं उनको शहरी नक्सली के नाम पर और कुछ लोगों को ग्रामीण नक्सली के नाम पर, इस देश में जो जनता के मौलिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको पकड़ना, बंद करना और नागरिक अधिकारों का जो दमन किया जा रहा है, ये सवाल देश की चिंताओं को उजागर करते हैं। विपक्ष में रहने के नाते हमारी भूमिका है, हमारी पार्टी और हम सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की, कि हम इस देश की जनता की, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सदियों से आज़ादी की लड़ाई की पहले की कहानी देखें या आज़ादी के बाद भारत के आम आदमी की ज़िंदगी और जीवन को कैसे सुधारा जाए, उसका हक उसको कैसे मिले और कैसे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आए, इसके लिए काम करने का काम किया है, संघर्ष करने का काम किया है, और इसलिए हम लोग आज सड़कों पर निकले हैं। अच्छा, आपका महाराष्ट्र में घूमते वक्त का क्या एक अनुभव रहा अभी तक का? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसा बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और जितनी जुमलेबाजी केंद्र की सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ की राज्य सरकार भी उस जुमलेबाजी में लिप्त है। चाहे गन्ना किसानों की समस्या ले लीजिए या यहाँ केला उगाने वाले श्रमिकों की समस्या ले लीजिए, किसानों की प्याज जो उगा रहे हैं किसान, और उनकी मैं एक दिन कहानी देख रहा था और जब पता चला वो प्याज की कीमत की कहानी, तो मतलब इतना भयावह स्थिति है कि लागत की बात छोड़िए, प्याज के जो पत्ते ऊपर उखड़ते हैं उन पत्तों की भी कीमत आज उन किसानों को नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं बड़ी चिंता है। मैं जिक्र करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म इसीलिए हो गई थी कि किसानों के साथ उस समय के राजाओं ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। सिंधु नदी का पानी जिससे किसान अपनी ज़मीनों को सिंचित करते थे और कृषि उपज के माध्यम से एक बड़ा बाज़ार डेवलप हुआ था, और सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की बेहतर सभ्यताओं में एक मानी गई, लेकिन जैसे ही पानी रोका गया और तमाम दिक्कतें वह उस समय के तत्कालीन राजाओं के द्वारा खड़ी की गई, किसान कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, कुछ आत्महत्या किए और कुछ उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। धीरे धीरे वह विकसित उस ज़माने का सबसे मशहूर जगह और शहर वीरान हो गया, ख़त्म हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के किसानों के साथ, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो, चाहे यूपी और बिहार के हों और चाहे दक्षिण भारत के हों, इनकी नीतियों से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। और ख़ास तौर से तमिलनाडु के वे किसान जो जंतर मंतर पर लंबे समय से नरमुंड लेके बैठे हुए हैं, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उनके सौदा के बाद, वो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भारत के हालात कितने भयावह हैं,
तो वही परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में देखने को मिली हैं और इसलिए हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए सौगत। धन्यवाद जी, शुक्रिया। हमारे साथ यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, एक मेरा एक सादा सवाल ऐसा है कि अभी 3 स्टेट के इलेक्शन चुनाव आए, उसके बाद में जो राहुल जी ने कहा था किसानों के बारे में और जो अभी महाराष्ट्र में घूम रहे हो ये क्रांति यात्रा से, तो क्या आप उसको डिफाइन करोगे दोनों, मतलब ये 3 स्टेट और एक स्टेट जो महाराष्ट्र को भी एक इंडिया में एक बड़ा स्थान है उसमें? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बोलता है, जो वादा करता है, वादा पूरा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो किसान का कर्जा का माफ का बात हुआ था राहुल गांधी जी ने, कर्नाटक हो और पंजाब हो, जो मध्य प्रदेश में, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, सरकार आते सीएम बन के 1 घंटे के अंदर वहाँ का जो किसान का कर्जा माफ किया, ये कांग्रेस पार्टी है। उन लोग जो 4.5 साल में जो उन लोग ने जो बीजेपी का केंद्र सरकार में जो आने के बाद में लगभग 3.5 लाख जो किसान का आत्महत्या हुआ है, उसके बारे में आज तक इस देश का चौकीदार ने एक बात भी आज तक किया नहीं किसान के बारे में। महाराष्ट्र में जो किसान का आत्महत्या हुआ उसमें भारतीय युवा कांग्रेस का हमारा अध्यक्ष सत्यजीत तांबे, उनका पूरा लोग जाके मिलके आया है। हमेशा राहुल जी का भी सोच है, जो भी किसान हो, गरीब हो, महिला हो, वहाँ उनके कोई मुसीबत में है तो उसके साथ जाके खड़े होने का हम लोग का एक ऑर्डर है ऊपर से, जो राहुल जी ने हमेशा बोलते हैं। और इन लोगों को हमने कहना चाहता हूँ, चुनाव के पहले बोले था मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाता हूँ। हमने झोला तैयार करके रखा है, 30 तारीख को नरेंद्र मोदी को झोला दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी तय करना, झोला लेके लंदन जाएगा ललित मोदी के पास, नीरव मोदी के पास और विजय मल्या के पास और मेहुल चौकसी के पास। उनको एक ही ऑप्शन है, नहीं तो इंडिया में रहता है इनकेस। उनको इतने बड़े बड़े घोटाला, रैफल घोटाला में आपने क्लियर आपने देखा है, उसमें अनिल अंबानी को मदद करने के लिए सबसे बड़ा 1,30,000 करोड़ घोटाला किया है। उस मामले में भी दाल घोटाले में बहुत सारा घोटाला, उसमें जेल जाना उनका निश्चित है। उनको मैंने कहना चाहता हूँ, इसीलिए वो आके उनका झोला लेके 30 तारीख लेके जाए, नहीं तो विश्वासघात किया इस देशवासी के साथ। 2 करोड़ का जाप का वादा किया था, अभी तक हमने आरटीआई के द्वारा हमने जो मांगा है अभी तक उसका रिप्ले नहीं आया। और साथ में काला धन आएगा सबके खाते में, 15-15 लाख का बात हुआ था, वो अभी तक आया नहीं है। काला धन बढ़ गया इनके टेन्योर पे, सो ऐसा बहुत सारे चीज है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हर जगह चिल्ला के बोलते थे नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह का बेटा 50,000 लगा के जय शाह 80 करोड़ कमा रहे, वो पूरा नौजवान को देश में। लास्ट में ये एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ इनको, और जो सर्टिफिकेट बांट रहे पूरा देश में हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, ये लोग इस आज़ादी में कभी इन लोग ने लड़ाई में इन लोग ने शामिल नहीं था। उस समय में ब्रिटिश लोग के साथ चापलूसी कर रहा था, अंग्रेजी लोग के साथ। ये कांग्रेस पार्टी है हमेशा इस देश को बनाने के लिए, इस देश का आज़ादी के लिए खून और बलिदान त्याग दिया पार्टी है। इन लोग ने कांग्रेस मुक्त भारत का बात करता था, आजकल इनको समझ में आया होगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगा। इन लोग को अभी मैं लास्ट में एक ही बात है, इनको जो भी जुमला है झूठ के ऊपर झूठ जुमला सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अभी नया मुद्दा लेके आया राम मंदिर बनाने का, आज तक ये लोग ने डेट ही नहीं बताया राम मंदिर कब बनाते करके। 20 साल से सबके पास ईटा लिया, पैसा लिया, वो कहाँ गया अभी तक पता नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ ये लोग आके क्यों नहीं बता रहे कब राम मंदिर बनाते हैं। इन लोग का कुछ नहीं है इस देश को बांटने का, जात के नाम से, मंदिर के नाम से। मैं ये नागपुर है, नागपुर में ये आरएसएस का ये शाखा है, यहाँ इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप असली हिंदू है तो वाराणसी में जाइए, 25 मंदिर तोड़ा है वहाँ, 25 मंदिर, उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? आपका बीजेपी के सरकार है सेंट्रल में, हिंदुत्व नाम के आप लोग सरकार पे जाके वहाँ आप लड़के वो मंदिर अभी भी तोड़ रहे हैं और 50 मंदिर तोड़ रहे हैं, उसको बचाने का काम करिए, तब मैं आपको
असली हिंदुत्व में मानता हूँ, नहीं तो ये फर्जी सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। आप लोग 2019 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश का विकास और इस देश को बचाने का काम राहुल गांधी करेगा। जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।